असलम को बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बच्चों हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हम आपको बताएं, आपके पेपर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से दो लॉन्ग हमारे पास आने हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर बाकी चैप्टर की तरह समझ आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन भी बोलते हैं और इसको हम कॉनिक्स भी बोलते हैं। जो कॉनिक का वर्ड है ये निकला है हमारे पास कौन से, और सेक्शन का मतलब होता है इसको डिवाइड करना, टू डिवाइड या टू कट, हम इस तरह से बोलते हैं। डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन क्या होता है। ठीक है, कौन की डेफिनेशन लिख ले सबसे पहले आप लोग। अ सरफेस जनरेटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस। शाबाश, लिखें अ सरफेस जनरेटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस and passing through the circumference of a circle. The surface generated by two straight lines and passing through the circumference of a circle and a fixed point. Shabash, definition likhe hai. A surface generated by two straight lines. A surface generated by two straight lines and passing through the circumference of a circle and a fixed point. ये जो बेटा है इसको बोलते हैं कौन। ये हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास क्या है, जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास वो है फिक्स पॉइंट। ठीक है, कौन क्या है बच्चों, अ सरफेस जनरेटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस एंड पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन जो है इस सर्कल में से पास कर रही है, एंड अ फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट में से पास करिए। इस तरह जो भी शेप होती है हम क्या बोलते हैं, कौन। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, राइट सर्कुलर कोन बच्चों हमारे पास एक ऐसी कोन होती है, राइट सर्कुलर कोन एक ऐसी कोन होती है जिसका बेस जो है वो हमारे पास सर्कुलर होता है। ठीक है, ये क्या है, अगेन फिक्स पॉइंट, और जो नीचे ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस। ऐसी कोन जिसका बेस जो है ये हमारे पास सर्कुलर हो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। अ कोन हूज बेस इज सर्कुलर, डेफिनेशन लिखें आप लोग, अ कोन हूज बेस इज सर्कुलर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। अ कोन हूज बेस इज सर्कुलर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन होती है बेटा। ये देखें, जब किसी भी पेन को या पेंसिल को पकड़ के आप सर्कल में घुमाएंगे तो जो हमारे पास कोन बनेगी उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, कोन क्या होता है, अ सरफेस जनरेटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस एंड पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड कोन। और राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, अ सर्कल सॉरी अ कोन हूज बेस इज सर्कुलर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास एक और वर्ड है प्लेन। प्लेन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो हैं उनको हम लेके चलेंगे साथ साथ। ठीक है, बेसिक टर्म बेटा, ये जो शेप होती है इस तरह से हमारे पास होता है प्लेन। ठीक है, आप इसको कह लें या बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो हमारे पास ये इस तरह से चले इसको कह दें। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल। ठीक है, ओके। अब देखिए, टू डी जिसको बोलते हैं ना, ये होता है। इसमें हमारे पास आपको पता है बच्चों ये एक्स एक्सिस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, कोन, उसके बाद राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद प्लेन। अब देखते हैं हमारे पास कॉनिक्स क्या होता है बच्चों। कॉनिक्स डेफिनेशन लिखिए, कॉनिक्स आर द कर्व
नेक्स्ट लिखें क्या, कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय, कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय, शाबाश, कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कॉन, कटिंग अ राइट सर्कुलर कॉन, कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन। दोबारा सुन लें, कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन इज कॉल्ड कॉनिक्स। कॉनिक्स क्या है बच्चों, जब भी हम किसी राइट सर्कुलर कॉन को किसी प्लेन के जरिए हम कट करते हैं, जो हमारे पास कॉमन पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिक्स। किसी राइट सर्कुलर कॉन को जब हम किसी प्लेन के साथ कट करते हैं, डिफरेंट तरीके से जब हम कट करते हैं, जो कॉमन पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनिक्स। क्या बोलते हैं, कॉनिक्स। अच्छा आप देखिए बेटा, अब डबल कॉन को जरा हम देखते हैं क्या है। अभी मैं सारी चीजें कट करके बताता हूं आपको हम किस तरह से कट करेंगे। एक हमारे पास होती है डबल कॉन, ठीक है, उसका भी आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए कि डबल कॉन हमारे पास किस तरह से होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होती है डबल कॉन। आप ये देखें, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन बनती है उसे क्या बोलते हैं, डबल कॉन बोलते हैं। आप देखें, फिर हमारे पास एक लाइन होती है जो कि इसको सेंटर से डिवाइड करती है, सेंटर से कट करती है। ऐसी लाइन जो कॉन को सेंटर से कट करे या टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन जो कॉन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसका एक और नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, ओके, ये जो हमारे पास पॉइंट होता है, दोनों कॉन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं और एपेक्स भी बोलते हैं, वर्टेक्स और एपेक्स भी बोलते हैं। अब ये देखें बच्चों, ये जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये जो दोनों लाइन होती है इनको हम बोलते हैं जनरेटर, जनरेटर ऑफ कॉन या फिर रूलिंग्स। क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ कॉन या फिर रूलिंग। दोबारा सुन ले बेटा, वो लाइन जो कि सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, सॉरी सर्कल कह रहा हूं, कॉन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं या फिर एपेक्स। वो पार्ट जो मिल के कॉन को बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर। वो पार्ट जो के कॉन को जनरेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर या फिर रूलिंग्स। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। शाबाश, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बेस बोलते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो कॉन है, एक तो ये ऊपर वाली कॉन है और एक नीचे वाली कॉन है। ये जो ऊपर वाली कॉन है इसको बोलते हैं अपर नेक, ठीक है, और ये जो नीचे वाली कॉन है इसको क्या बोलते हैं, लोअर नेक। ऊपर वाली कॉन को क्या बोलते हैं, अपर नेक, और नीचे वाली जो कॉन होती है उसको क्या बोलते हैं, लोअर नेक। अपर नेक और लोअर नेक, ये भी हमारे पास क्या है, अगेन ये जनरेटर है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कॉन किस किस तरह से, जब हम प्लेन को कट करें हमारे पास डिफरेंट तरह की जो शेप्स आती है वो किस तरह से आती है। अच्छा बच्चों देखो, हम राइट सर्कुलर कॉन जो है वो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने राइट सर्कुलर कॉन बनाई। आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बेस। ये जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। शाबाश, और इसको हम क्या बोलते हैं बताएं, शाबाश, एक्सिस। ठीक है, यहां पर मैं ये तीन कॉन्स जो है ये बना लेता हूं, राइट सर्कुलर कॉन बना दूं, अगेन
अब देखो बच्चों, अगर इसमें भी ये बेस है और ये हमारे पास क्या है एक्सिस, ये बच्चों क्या है एक्सिस और ये क्या है बेस। जब भी किसी राइट सर्कुलर कॉन को हम एक ऐसे प्लेन से कट करें जो कि इसकी बेस की पैरेलल हो, क्या मैंने कहा किसी राइट सर्कुलर कॉन को हम ऐसे प्लेन से कट करें, आप ये देखिए ये जो प्लेन है ये इसकी बेस में क्या है पैरेलल। जब भी किसी राइट सर्कुलर कॉन को ऐसे प्लेन से कट करें जो कि उसकी बेस के पैरेलल हो या उसकी एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रहा, तो जो हमें शेप मिलेगी बच्चों, जो हमें शेप मिलेगी वो शेप जो है वो क्या होगी, शाबाश सर्कल, वो शेप हमारे पास क्या होगी सर्कल। जब भी किसी राइट सर्कुलर कॉन को किसी प्लेन के साथ कट करें, किसी ऐसे प्लेन से कट करें जो कि उसकी बेस के पैरेलल हो, तो हमें जो शेप मिलेगी वो क्या होगी सर्कल। तो ये हमारे पास क्या आया सर्कल। दोबारा सुन लें, व्हेन वी कट अ राइट सर्कुलर कॉन बाय अ प्लेन देन द कॉमन पार्ट इज कॉल्ड सर्कल। जब भी किसी राइट सर्कुलर कॉन को ऐसे प्लेन से कट करें जो कि उसकी बेस से क्या हो पैरेलल, तो जो शेप हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों सर्कल। शाबाश, अब देखें अगेन राइट सर्कुलर कॉन है, हम इसको एक ऐसे प्लेन से अब कट करने लगे हैं, राइट सर्कुलर कॉन को एक ऐसे प्लेन से कट कर रहे हैं जो कि ना तो इसके क्या ये इसकी बेस के पैरेलल है, क्या इसके एक्सिस के पैरेलल है, या जनरेटर के पैरेलल, ये जनरेटर है, जनरेटर के भी पैरेलल नहीं है। जब हम किसी राइट सर्कुलर कॉन को ऐसे प्लेन से कट करें जो ना उसकी बेस के पैरेलल हो ना ही उसके किसी एक जनरेटर किसी भी जनरेटर के पैरेलल हो, ना तो किसी ऐसे प्लेन से हम कट करने लगे बेटा जो ना उसकी बेस के पैरेलल है ना ही एक्सिस के पैरेलल है और ना ही जनरेटर के पैरेलल है, तो जो हमें शेप मिलेगी बच्चों वो क्या होगी, वो इलिप्टिकल शेप होगी इस तरह से, ठीक है। ये जो हमें शेप मिलेगी ये क्या होगी इलिप्स। आपको पता है ना इलिप्स किस तरह से होती है, एक इस तरह की शेप जो होती है इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, ठीक है बच्चों। ओके गुड, अब देखें अब अगेन हम एक राइट सर्कुलर कॉन को ऐसे प्लेन से कट करने लगे हैं जो कि किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो, ये देखिए ये जनरेटर है ना इसके पैरेलल है। ओके, जब भी किसी राइट सर्कुलर कॉन को ऐसे प्लेन से कट करें जो किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो, तो यहां से जो हमें शेप मिलेगी बच्चों उसको हम बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं उसको पैराबोला। तो ये हमारे पास जो शेप आई है इसको हम क्या बोलते हैं पैराबोला। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये है इलिप्स, ये हमारे पास क्या है पैराबोला, ठीक है। एक और शेप जो है वो अब हमने डिस्कस करनी है, वो हमारे पास क्या है देखते हैं। इस शेप के लिए आपने याद रखना है हमें डबल बॉन्ड बनानी पड़ती, ठीक है, जिस शेप को हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, ओके अब देखें, जब भी ये मत मुझे ये पहले ये क्या होता है, शाबाश, ये क्या होता है एक्सिस। जब भी हम किसी राइट सर्कल जब भी हम किसी डबल कॉन को जब हम नेक्स्ट जो शेप में बताने लगा उसके लिए हम डबल कोन यूज करते हैं। जब भी किसी डबल कोन को किसी ऐसे प्लेन से कट करें जो कि उसके एक्सिस के क्या हो पैरेलल, एक्सिस के क्या हो बच्चों पैरेलल, तो यहां से जो हमें शेप मिलती है वो क्या होती है, वो इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेप आती है यहां से इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये
तो बेटा ये जो हमें शेप मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। When we cut a right circular cone by a plane which is parallel to its base, then the common part is called circle. When a right circular cone is cut by a plane which is neither parallel to its base nor its generator, then the common part is called ellipse. इसको ellipse को बेशक आप ये देख रहे हैं, ये हमारी सर्कल की तरह हमने थोड़ी सी इसको शेप दे दी है। तो ellipse इस तरह की नहीं होती है कि जैसे मैंने ऊपर बनाई है इस तरह से, हमारे पास ellipse होती है ए इस तरह से ये, ठीक है? ये जो शेप हमारे पास है ये कौन सी है बच्चों? ellipse। When we cut a right circular cone by a plane which is parallel to its one of its generator, which is parallel to one of its generator, then the common part is called parabola. And another one is last one. When we cut a double cone by a plane which is parallel to its axis, then the common part is called hyperbola. तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो था ये कॉनिक्स का इंट्रोडक्शन है। अब हमने क्या करना है, हर हमने इसको सर्कल को भी डिस्कस करना है, फिर हमने इलिप्स को भी डिस्कस करना है, हमने पैराबोला को भी डिस्कस करना है, हमने हाइपरबोला को भी डिस्कस करना है। इसके अलावा भी हमारे पास एक होता है डीजनरेट कॉनिक्स, कि फिलहाल हम इन्हीं चीजों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा बच्चों लेक्चर होगा वो किस पे होगा? तो सर्कल पे लेक्चर होगा, ठीक है? तो अपना आप लोगों ने इसको अब अच्छे से समझ लेना है, और इसके जो फर्स्ट टू पेजेस हैं उनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। तो अपना बहुत सारा बच्चों ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।